की बात समझते थे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ उंगली के इशारे से, जो इशारा नमाज की लाइन का नहीं, दावत की लाइन का नहीं, इशारा सिर्फ उंगली का इशारा, अगर चांद के दो टुकड़े कर सकता है, तो जो आमाल इबादत के और दावत के आपके जिस्म से जाहिर हुए हैं, उन आमाल के अंदर कितनी कुव्वत होगी। हम समझते थे कि अगर एक आलम के दो टुकड़े आपके आदत की लाइन के इशारे से हो गए, तो जो इबादत की लाइन में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में उंगली उठाने की कुव्वत कितनी ज्यादा होगी।